हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। यानी कि आपके जो पर्सन हैं या जो क्रश हैं, लव इंटरेस्ट हैं या जो एक्स हैं या जो करंट पार्टनर हैं, इनके नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको किस नज़र से देखते हैं और किस तरह का इंसान मानते हैं, समझते हैं, हम ये जानेंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, ओके? क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके? लेकिन सभी जोडियक साइंस के लिए है, जोडियक साइंस को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आइए देखते हैं कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। पहले शफल करते हैं अच्छे से। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हमने कार्ड्स ले लिए हैं। देखिए, सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कभी पसंद नहीं करते कि उनकी लाइफ को कोई भी कंट्रोल करे किसी भी वे में। यानी कि हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस चीज़ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत बॉसी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को किसी के लिए बहुत ज़्यादा कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका डिसीजन खुद लेते हो और लोगों से एडवाइस सजेशंस ले सकते हो, लेकिन किसी और को इतना आपने पावर नहीं दिया है कि कोई आपके डिसीजंस को ट्विस्ट कर सकता है या आपसे कोई कुछ प्रेशराइज करके कोई काम करवा सकता है, कोई भी। यहाँ पर ऐसा लगता है उनकी नज़रों में ऐसा है कि कोई आपसे ज़िद करके या आपसे कहलवा के या आपको बार बार बोल के कोई अपना काम नहीं करवा सकता आपसे, कोई अपने मन की बात आपसे पूरी नहीं करवा सकता। क्योंकि आप जो हो व्यूअर्स, वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हो जब तक अपनी लाइफ की बात रहती है। यू नेवर अलाउ पीपल कि वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर पाए। तो कहीं ना कहीं आपका ये दायरा बनाया है, आपने एक लिमिट बना दी है लोगों के लिए कि वो उससे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। और आप जो हैं वो अपनी लाइफ के डिसीजंस भी खुद लेते हैं। अगर डिसीजंस गलत भी होते हैं तो उनका जो भी रिजल्ट होता है उसको फेस भी खुद करते हैं। डरते नहीं हैं इन चीज़ों से, इसीलिए अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, क्योंकि खुद के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है किंग वाली वाइब है, क्वीन वाली वाइब है आपकी, कि आप जो करेंगे वो फैसला खुद से करेंगे और दबेंगे नहीं किसी के आगे। कोई आपको दबा नहीं सकता, चाहे बातों में या किसी और चीज़ में, ओके? डिसीजंस में या चॉइसेस में कोई आपको सप्रेस नहीं कर सकता यहाँ पे। और ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जिनके साथ आपके सच्चे रिश्ते हैं उनके लिए आप बहुत डेडिकेटेड हैं। ये आपके पर्सन ने नोटिस किया है, सुना है, ये ऐसा उनको लगने लगा है, अज्यूम किया होगा कि जो आपके जेन्युइन रिश्ते हैं, लाइक जो आपका सच में बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी सच में आप केयर करते हो, ये आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आप सच में प्यार करते हो, सच में उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप फिर ऐसे इंसान के आगे अपने आप अपना ईगो सेटिस्फाइड नहीं करते हो। वहाँ पर आप रिश्तों की वैल्यू करते हो, तो आपके अंदर ये बैलेंस है। आप जानते हैं कि कहाँ पर आपको रिश्ते मेंटेन करने हैं और कहाँ पर आपको
स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहना है, ओके, ऑनेस्ट भी रहना है, और साथ ही साथ आपको यानी कि अनफेयर नहीं होना है कहीं पर, ये आप जानते हैं। इसीलिए आप चाहे आपको कितना भी क्या जो भी लगता हो, यानी कि आपका जो भी मानना है, आपका जो भी बिलीव है, वो दूसरों पे थोपते नहीं हैं आप। आपको जो लगता है वो आपके लिए है और आप उसे फॉलो करते हैं, लेकिन आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते कि जो मैं करता हूँ वही करो, या जो मैंने कहा है वही होगा, या मुझे जो अच्छा लगता है वही होना चाहिए, या जो मुझे सही लग रहा है वही बात सही है। ऐसे अपनी बात को लोगों पे इम्पोज नहीं करते, थोपते नहीं हैं, और हमेशा रिश्तों की वैल्यू करते हैं। आप ना जो भी आपके गिने चुने रिश्ते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ आपने बहुत सारे रिश्ते नहीं बनाए हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके साथ आपका एक अटूट रिश्ता है, एक डीप कनेक्शन है, डीप बॉन्ड है, और उन लोगों को आप अपनी लाइफ में कभी हर्ट नहीं करते हैं, उन लोगों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या उनको कभी उनको कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, यू ऑलवेज वैल्यू देम। तो इसीलिए आप उनके साथ अपने रिश्ते मेंटेन करते हैं, और कभी कोई इशू भी हो जाता है तो भी अपना ईगो साइडलाइन करके, अगर कभी कोई मतभेद भी होता है तो भी अपना ईगो साइडलाइन करके आप रिश्ते को वैल्यू देते हैं। आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं सही हूँ ये बात प्रूव करने के लिए, चाहे मुझे मेरे रिश्ते दांव पे लगाने पड़े, चाहे मुझे सब छोड़ जाएं, और मेरा जो भी एक एक जिसके साथ मेरा रिश्ता है चाहे वो क्यों ना टूट जाए, लेकिन मैं कितना सही हूँ, कितनी सही हूँ ये बता के रहूँगा। तो जो इस हद तक चले जाते हैं वो अपने रिश्तों की वैल्यू नहीं कर पाते, वो उनके रिश्ते भी ख़राब होते हैं। लेकिन आपके अंदर ये बैलेंस है कि आप जानते हैं कहाँ पर आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है और कहाँ पर आपको अपनी बात लोगों पर नहीं थोपनी है, यू नो दैट। तो ये जो बैलेंस आपके अंदर है कि आप अपनी लाइफ के बॉस भी हैं, अपनी लाइफ के किंग भी हैं, लेकिन वही बात रही आपके रिश्तों की, तो उनको भी बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं किसी कीमत पे भी। अपने अपने लव्ड वंस को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, तो ये क्वालिटी है आप में, ओके। साथ ही साथ व्यूअर्स, आपके पर्सन को या जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, जो सोचते हैं आपके बारे में, तो उनकी नज़र में ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप ना बड़ा सोचने वाले हैं, आप ना छोटे छोटे चीज़ों को अचीव करते हैं लेकिन आपका विजन बड़ा है। बहुत लोग होते हैं जिनका कोई विजन नहीं होता, और उन्होंने विजन के बारे में कभी सोचा भी नहीं होता कि आगे हमारा विजन क्या है, हम अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हैं, कैसा इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं, किस परिस्थिति सिचुएशन में अपने आप को चाहते हैं, कैसा एनवायरनमेंट अपने लिए बनाना चाहते हैं, कैसा सर्कल अपना आगे देखना चाहते हैं, और कैसी पोजीशन देखना चाहते हैं। तो चाहे वो पोजीशन किसी भी चीज़ में हो, तो वो चीज़ बहुत सारे लोग नहीं सोचते, लेकिन आप आगे की सोचते हैं, चाहे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विजन जो होता है वो बहुत वाइडर होता है, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उसमें आपका डिज़ायर भी, आपकी सोच भी, सब उससे झलक जाती है कि इस इंसान का विजन क्या है। जैसे कई लोग इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो वो यहाँ वहाँ पौधे लगाने का काम करते हैं, शुरू में कैंपेन करते हैं, बहुत लोगों को अवेयर करते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, और फिर इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पर वो ये काम करते हैं कि जिससे जो ग्रीन कवर है वो कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, अगर ये कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवा देते हैं जिससे जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी सम्मानित किया जाता है, तो वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव हो गया। अगर छोटे छोटे गोल्स लेकर चलना है कि जैसे हाँ मुझे मेरी सिटी में अच्छा ग्रीनरी करना है, या मुझे मेरे एरिया में अच्छा ग्रीनरी करना है, तो वो छोटे छोटे गोल्स को पूरा करना है, लेकिन उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, वो है विजन, वो बड़ा है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप भी एक ऐसे इंसान हो जो जिसका कोई विजन है, जिसको पता है कि लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या है, क्या मेरा पर्सपेक्टिव है, क्या मेरी सोच है, और उससे मुझे क्या चाहिए, तो यह आपको पता है, क्लैरिटी है। और अगर नहीं भी है, अगर इतनी क्लैरिटी आपको नहीं भी है, तो भी आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से, आपकी सोच से लगता है कि आप काफ़ी विजनरी हैं, ओके। हो सकता है लोगों को ऐसा धोखा होता है अगर आप नहीं हैं तो, लेकिन अगर आप हैं तो लोगों को सच ही लगता है, यानी कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं उनको सच ही लगता है कि आप ऐसा सोच के चलते हैं, ओके, यस। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स के, ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो ज़रूरत पड़ने पर हाईली डिफेंसिव हैं
और जब आपको पता लगता है कि इस इंसान का विश्वास किया जा सकता है, या ये इंसान इनोसेंट है, या अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, और जेन्युइन है, तो उसके साथ फिर आप कंफर्टेबल होते हैं। हर किसी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हर किसी के सामने अपने पर्सनल बातें, मन की बातें, ये बातें, वो बातें, सब कुछ शेयर नहीं करते हैं। यू डोंट गेट इजीली ओपन अप विद पीपल। नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके साथ इजीली ओपन अप नहीं होते जिनके साथ आपको वो जेन्युइननेस फील नहीं होती, जिनके साथ आपको वो प्योरिटी, वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई और वो महसूस नहीं होता कि ये इंसान जेन्युइनली मेरा फ्रेंड है या जेन्युइनली मेरा वेलविशर है। जब तक वो आपको सच में विश्वास नहीं हो जाता, जब तक वो इंसान आपका विश्वास ना जीत ले, या आप उसके साथ जब तक इतना ट्रस्ट ना कर पाएं कि कंफर्टेबली कुछ बता दें उनको, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में कितने समय से भी क्यों ना हो, लेकिन आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, या फिर एक बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, और उससे आगे ऐसे लोगों को नहीं आने देते। कंफर्टेबल नहीं होते, अपनी बातें मन की शेयर नहीं करते, विश्वास नहीं करते, सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करते हैं, और उन्हीं के आगे आप सब कुछ शेयर करते हैं, या उन्हीं के आगे ज़्यादा ओपन अप हो पाते हैं जो लोग बहुत जेन्युइन हैं, जिनका आपको पता है कि ये इंसान सच्चा है और ये मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा कभी। तो ऐसे इंसानों पर ही आप विश्वास करते हैं। बाकी लोगों के लिए आपने अपने लाइफ के दरवाजे बंद किए हुए हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स के, यस, और इस चीज़ में ना आप काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी के आगे गलती से कुछ बोलते चले गए, फिर बाद में लगा रहे इस इंसान पर तो मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैंने इसके आगे इतना क्यों बोल दिया। ऐसा नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी है कि इससे क्या बात करनी है, इनसे क्या शेयर नहीं करना है, कितने कितनी लिमिट में बात करनी है। तो आप ना भाव में बहकर बड़बड़ करके कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये यहाँ पर है कि आपके अंदर वो क्लैरिटी है कि कितना कहाँ बोलना है। बहुत सारे लोग ये क्लैरिटी उनके अंदर नहीं होती है, तो वो बातें दूसरों को बताते भी हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, मैंने उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनको बताया क्यों, मेरे मुँह से क्यों निकल गई ये बात। फिर ऐसा बोलते हुए कई लोग आपने सुने होंगे, खुद के साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपके साथ इतना नहीं, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि कैसे हैंडल करना है। तो आप मेच्योर भी बहुत दिखते हैं, स्मार्ट भी बहुत दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा चाइल्डिश और कोई बहुत ज़्यादा गलेबल और बहुत ज़्यादा कोई इमेच्योर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है आपकी। चाहे एज आपकी कुछ भी हो, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपको बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत वाइस हो आप, ऐसा लगता है। यस, यू नो वट आई डूइंग, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप विजनलेस होकर या ब्लैंक होकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि चलो कहीं तो किस्मत ले जाएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव अ रोड मैप, एंड दैट्स कूल, दैट्स गुड, अच्छा, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी नज़र में ऐसा है, काफ़ी उनकी नज़र में तो फिर काफ़ी रिस्पेक्ट है आपकी, ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है। फिर भी हम और मैसेजेस लेते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स। फाइटिंग, ऑफकोर्स यू आर अ फाइटर, यू आर अ वॉरियर। ये चीज़ शायद आपकी लाइफ के पास्ट से पता चली होगी, या जो भी है, कि अपनी लाइफ में आपने ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जिनको अकेले ही संभाला है, अकेले ही ऐसे बैटल्स आपने जीते हैं जो बहुत टफ रहे। तो आप एक फाइटर हैं, का मतलब ये है गिव अप नहीं करते हैं, एंड तक लड़ाई करते हैं। लड़ाई का मतलब है एंड तक आप अपना बेस्ट करते हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो घर की परिस्थितियाँ हो, हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, और कुछ भी हो, किसी भी तरह का स्ट्रगल, किसी भी तरह का चैलेंज क्यों ना हो, आप गिव अप करना नहीं जानते हैं, टफ फाइट देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पीछे नहीं हटते चीज़ों से, सामना करते हैं चीज़ों का। एक वॉरियर वाली स्पिरिट आपके अंदर ऑलरेडी दिख रही थी, और अब ये फाइटिंग का कार्ड आ गया है, तो पता भी चलता है कि आपने लाइफ में ना संघर्ष देखे हैं, दूसरों से देखे हैं संघर्ष, या फिर खुद के साथ भी बहुत आपने ऐसा स्ट्रगल या ऐसा संघर्ष आपने देखा है, ऐसे चैलेंजेस देखे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी बनी है। ओके, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा अनफेयर सहन नहीं करते हैं, या अपने लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, तो उससे लगता है। और व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि अपने ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ना अपने दुख को, पेन को अंदर रखने में एक्सपर्ट हो गए हैं,
क्योंकि जब लोग आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना एक्सपेक्ट करते हैं तब आप उतने इमोशनल होकर दिखाते नहीं हैं, या जब लोग सोचते हैं अब ये रो देगा तब आप रोते नहीं हैं, जब लोग सोचते हैं अब तो ये गए तो तब भी आप नॉर्मल रहते हैं। तो उसमें क्या है कि देखने वालों को ऐसा लग सकता है कि जैसे आपको क्या दुख नहीं हो रहा, लेकिन आप शायद ऐसे इंसान हैं जो अकेले में ज़्यादा रोते हैं या अकेले में ही ज़्यादा दुखी होते हैं, या फिर आपका कोई बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसके साथ आप थोड़ा सा अपना दुख शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन के साथ अगर आपने कभी अपना दुख शेयर किया है या नहीं किया है और कभी उनके आगे ऐसे रोए नहीं है या उनको कभी ऐसा पता भी नहीं चला कि आप रोते हैं ज़्यादा या दुखी होते हैं, कब होते हैं, किस बात पे होते हैं, तब भी फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने सुख दुख की बात जो है वो या तो किसी बहुत क्लोजेस्ट पर्सन से करते हैं या अकेले में दुखी होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल रहा है उसकी वजह से ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे या ऐसे एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हैं जिससे इस इंसान के दिल पर बहुत चोट पहुंची होगी। ये इंसान इतना भी सीखा है, हर्ट होके सीखा होगा, तो वो दुख दिखता क्यों नहीं है कहीं भी? तो वो इसीलिए नहीं दिखता व्यूअर्स, क्योंकि वो आप नहीं चाहते दिखाना, तो इसीलिए वो सब कुछ आप छुपा के रखते हैं और शायद आपने इतना नहीं दिखाया है, तो इसीलिए उनका अब ये मानना हो गया है कि शायद इंसान अपने आप में ही अपने दुख को छुपा के रखता है या रखती है। ये ऐसा इंसान नहीं है जो अपने दुखड़े रोए, आपने ऐसा टर्म सुना होगा कि वो अपने दुखड़े रो रहा था, दुखड़े रो रही थी, उसका मतलब ये है जा जाके लोगों को बताना कि मेरे जीवन में कितना दुख आया है, कितना दुख है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भी दुख बहुत सारे उठाए होते हैं लेकिन वो किसी को बोलते नहीं हैं और अकेले में ये सब थोड़ा सा रिलीज कर पाते हैं, या किसी बहुत क्लोजेस्ट पर्सन के साथ जैसे माँ के साथ ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑफ कोर्स यू ऑलवेज केयर अबाउट पीपल, तो हमेशा आप बहुत ऐसे सेल्फिश नहीं हैं, हेल्प भी करते हैं लोगों की और शेयर करते हैं चीज़ों को, और शेयर का मतलब ये नहीं बातें शेयर करते, शेयर मतलब यू आर वेरी हेल्पफुल, यू आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, कभी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है मना नहीं करते, किसी चीज़ को किसी को कोई कुछ चाहिए आपसे, किसी का काम हो सकता है उससे तो आप मना नहीं करते, हमेशा हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं, गाइड भी कर सकते हैं लोगों को, और ज़्यादातर आपकी इमेज ऐसी है कि अरे उनको पूछ लो, उनसे मांग लो, वो मना नहीं करेंगे, तो आप शायद मना नहीं करते हैं। जब चाहे किसी को आपकी कोई चीज़ बोरो करनी हो या आपकी कोई हेल्प चाहिए हो या आपसे कोई काम करवाना हो या पूछना हो कुछ, लोगों को लगता है कि आप अवेलेबल रहेंगे और आप मदद करेंगे आगे बढ़ के, तो ये भी एक अच्छी बात है जो आपके बारे में लग रही है आपके पर्सन को। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।